हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर जोस्ता। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके दिशा के साथ। ये मेरी पहली जर्नी है और मेरे हस्बैंड का ऑफिस है तो वो नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिशा हो गई है तैयार और हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये स्टेशन है बैंगलोर का केआरपुरम, तो यहाँ से हम लोग की ट्रेन है। तो हम लोग यहाँ बनाए ड्रॉप करेंगे। देखिए स्टेशन है और ट्रेन हमारी आने वाली है। ट्रेन में बैठ गए हैं और मेरे हस्बैंड चले गए हैं और दिशा यहाँ बाहर देख रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, छोड़ के जाने का मन नहीं करता ना जल्दी। तो पहली बार मैं दिशा के साथ अकेले जर्नी कर रही हूँ। और ये ट्रेन हम लोग जा रहे हैं बनारस, बेंगलोर से बनारस। तो ये देखिए दिशा बैठी है और हम लोग अभी निकले हैं, थोड़ी दूर पहुँचे हैं ये। तो यहाँ से बनारस से बेंगलोर से बनारस 2 दिन लगता है, 2 दिन। और अर्ली मॉर्निंग, थर्ड डे की अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं। तो देखिए ये सब सीनरी वगैरह अच्छी लग रही थी तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। तो फ्रेंड देखो, दिशा यहाँ पे चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है, मेरा भी चाय रखा। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, बाहर रेन हो रहा है और दिशा चाय पी रही है, मेरा भी रखा है। तो अभी तो हम लोग को आज फर्स्ट डे है, सेकेंड डे, फर्स्ट डे पूरा ट्रेन में जाएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे की अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे हम लोग पहुँचेंगे मुगलसराय। तो अभी तो उसी में बैठे ही हैं, अभी बहुत लंबा जर्नी है। दिशा को बहुत बहुत दिनों बाद दिशा बैठी है ना ट्रेन में, करोना जब से हुआ। हाँ, हम लोग शादी में भी, मेरे देवर की शादी थी ना, उसमें भी हम लोग कार से गए थे। इस टाइम हस्बैंड की ऑफिस है, छुट्टी नहीं मिल रहा है जल्दी, इसलिए हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही है बट उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। थोड़ा सा रह लेते हैं। हाँ टेस्ट नहीं आएगा, ऐसे पी लो बस, काम चला हुआ। बहुत लंबी जर्नी करनी है, दिशा है साथ में। हम लोग 3 दिन में कब पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे 20। कब पहुंचेंगे बोल? तीसरा दिन और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। और ट्रेन जा रही, चली गई। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठे हैं, दिशा और हम दोनों की लोअर सीट है, सेकंड एसी है, लोअर सीट है, बैठे हैं हम लोग। और ये मेरा दिशा के साथ बस पहली बार मैं दिशा के साथ अकेले जा रही हूँ। नहीं तो इसके डैडी रहते थे ऑफिस की वजह से, डैडी का जाने का प्लान नहीं आ रहा था। अरे ये देखा, ये ट्रेन अरे खाली है ऊपर, ज्यादा भीड़ नहीं है। सेकंड एसी में भी बहुत सारी सीटें खाली है,
दिखाई दे रही है, बेडशीट रखी है, सब कर्टन वगैरह सब निकल गया है, एसी का ब्लैंकेट तक या कुछ नहीं मिलता तो अपना लेके चलो। गरम चाय पी रही है, धीरे धीरे बोल रही हूँ यार, बहुत लोग गाना वाना बजा रहे हैं। चाय कॉफी फिर चाय ठंडी। उससे ब्रेक मारता है ना तो हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्लाइट का टिकट कराया था तो वो कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद उसका ने मतलब बोला कि उसका दूसरा मतलब दूसरे दिन का करा लीजिए उसी पैसे में, तो उसको भी हम लोग कराए, वो भी कैंसिल हो गई। फिर बाद में मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ट्रेन से जाना पड़ रहा है। आजकल फ्लाइट वाले भी बहुत मतलब वो करते हैं, पैसा ले लेते हैं फिर बाद में कैंसिल कर देंगे, फिर नेक्स्ट देंगे वो भी कैंसिल, मतलब आजकल सब जगह लूट रहे हैं। कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं ले लेते हैं, वही सब है। लगता दूसरा दिन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, एक रात हो गई का बीत गया है ट्रेन में, और ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे बैठने पड़ता है, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था तो वो आ गया है। अब हम और दिशा खाना खाएंगे, तो आज हम लोग का सेकंड डे ट्रेन में और ये हम लोग खाना खा रहे हैं। फर्स्ट डे तो हम लोग घर से बना के ले गए थे, वो खा लिए थे, सेकंड डे का ऑर्डर हो गया था तो वो हम लोग खा रहे हैं। और टनल देखो, टनल आया है इटार से पहुंचने वाले हैं, तो टनल दिशा खाना खा रही है, टनल आ गया, अंधेरा हो गया, दिशा कैसे खाएगी, ये खुल गया, दिशा खा रही है। दो बार आ गया, नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है इवनिंग, मतलब हो रहा है तो 5-6 बजे के आसपास जबलपुर पहुंचती है। जबलपुर में दिशा की बुआ ने खाना लेके आई थी, दिशा की बुआ और दादा। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए केक लाई थी, पेस्ट्री लाई थी और बहुत सारा खाना पीना लाई थी, तो दिशा अपना पेस्ट्री खाने में मगन है। क्या खा रही हो? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ और पूरा देख के मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पूरा बचपन याद आ जाता है यहाँ पे आते ही, और दिशा भी खुश है। और अभी हम लोग आए हैं, सो गए थे आके, अभी उठे हैं, 10 बज रहा है। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ गए नानी के घर। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग पहुंच गए, देखिए मैं अपने मायके आ गई हूँ और अभी दिशा खेल रही है, उसको खूब मजा आ रहा है। खुला खुला है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे 4 बजे, अभी हो गया है 12 बज रहा है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा नहाए आएंगे फिर खाना पीना खाएंगे। तो दिशा यह खेल रही है ना, सीढ़ी स्लाइडिंग कर रही है इसमें। चलिए बाद में मिलते हैं। ये खटिया है, खटिया है,
चारपाई है। लेटी हूँ मैं, लेटी हूँ तो फ्रेंड देखिए शाम का वक्त हो गया है, मैं यहाँ छत पे आई हूँ। तो एक इधर घर है और एक इधर है, तो मैं दोनों मम्मी लोग का है मतलब। तो इधर मेरे दादा और मेरे भाई बैठे हैं नीचे, और यहाँ पे मम्मी गेहूँ डाली है तो वही हम लोग आए हैं उतारने के लिए। और यहाँ से खूब अच्छा लग रहा था, पूरा खेत वगैरह दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी गेहूँ बना रही है और दिशा भी यहाँ खूब एंजॉय कर रही है। इधर पूरा विलेज है। देखो इधर काऊ बेबी है, एक बेबी है, एक बिग है, एक बिग उससे बिग है, उनके डैडी है वो। तो फ्रेंड देखिए दिशा यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही है, सब बच्चे आ गए हैं अगल बगल के। तो दिशा को खूब अच्छा लग रहा है और हम लोग डिनर में बना रहे हैं अंडा करी। तो देखिए यहाँ पे सब तैयारी चल रही है, तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ फ्रेंड्स। तो आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, देखते रहिएगा मेरे मायके के। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, पर जितना किया उतना मैं आपको दिखाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।